हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं सृष्टि। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चना पटाकर नमकीन। जी हाँ, ये हम सभी का फेवरेट होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम चना, चना जो कि बिल्कुल सूखे चने 100 ग्राम लिया है। और उस चने को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया है। बट याद रखें, इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया है। इसे आपको 6 से 8 घंटे सोक करना है। और अब हमारे चने ये सोक करने के बाद इसको मैं अब वॉश करूंगी। दोस्तों, इसको वॉश करने के लिए रनिंग वाटर का यूज करें, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा पड़ा है और इसको अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी है। तो इसको 2-3 पानी अच्छे से, जब तक आपको ये ना लगे कि आपका बेकिंग सोडा पूरी तरीके से निकल चुका है, तब तक इसे वॉश करें। और वॉश करके आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। इसको सुखाना है मुझे, इसीलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से रख लिया है ताकि इसका पानी नीचे वाली प्लेट में आ जाए और ये हमारे चने थोड़े सूखे सूखे से हो जाए। दोस्तों, लगभग 5 से 7 मिनट इस तरीके से छोड़ने के बाद, जब मुझे लगा कि इसका पानी नीचे आ चुका है, तो फिर उसके बाद आपको एक कॉटन का टॉवल लेना है, जो कि प्रेफरेबली कॉटन का होना चाहिए, जिससे कि जिसमें आपका वाटर एब्जॉर्ब कर सके। इस चने को हम इस पे डालेंगे। और दोस्तों, इसका मुझे पानी इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसका पानी हमें एब्जॉर्ब करवाना है। तो ऐसा करने के लिए मैंने इसको एक टॉवल पे फैला लिया है और साथ ही हम ऊपर से दूसरे टॉवल से या फिर कोई भी साफ कपड़ा आप लें और उससे इसको कुछ इस तरीके से सुखाएं। आपका चना सूखना चाहिए। और ऐसे सुखाने के बाद अभी भी इस चने में थोड़ा मॉइस्चर है, तो इसको हम लोग पंखे में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे बहुत ही परफेक्ट बनेगा। दोस्तों, हमारे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और चने को मैंने पूरी तरीके से सुखा लिया है। इसमें का जो मॉइस्चर है वो हम लोग, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आपको इसके बाद कढ़ाही मैंने लिया है, कढ़ाही में डाला है रिफाइंड ऑयल और मैंने इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, जब आपका ऑयल हॉट बिल्कुल हो चुका हो, तो इसमें फिर हम लोग इस चने को डालेंगे। दोस्तों, इसमें चने को डाल के और इसको तुरंत ढक दे, अदरवाइज ये बहुत तेज छटकता है और चारों तरफ ऑयल आ सकता है, आप खुद भी जल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें डाल के और तुरंत आप इसको ढक दें। इसमें सफिशियंट ऑयल है और इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा छटकता है, इसलिए मैं आपको इसको खोल के भी नहीं दिखा सकती। आपको भी इसी तरीके से करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 से 4 मिनट बाद, जब चना आपका पूरी तरीके से तल चुका होगा और आप ढक्कन को हटाएंगे, जब इसमें पॉपिंग साउंड आना खत्म हो चुका हो, तो ही आप ढक्कन को हटाएं। इससे आप खुद जलेंगे नहीं और ये बहुत ही अच्छे से आपको पका हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये चने आपके हल्के हो चुके हैं और ऑयल में आपको ये ऊपर उठे हुए नजर आएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये तला हुआ ऊपर उठ चुका है और अब आप इन्हें कुछ इस तरीके से निकाल लें। फ्रेंड्स, सिमिलरली मैंने पूरे चने को तल लिया है और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से खनखनाहट की आवाज आ रही है। तो इसी तरीके से आपके भी चने में आनी चाहिए। चना पटाका बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स होता है, इसका मजा हम शाम के चाय के साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे काला नमक, जो कि स्वादानुसार है, साथ ही सफेद नमक। दोनों नमक का पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाल मिर्च, लाल मिर्च से बहुत ही चटकीला सा टेस्ट देगा। और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है हमारा
चाट मसाला दोस्तों, मैं यहाँ पे एवरेस्ट का चाट मसाला यूज कर रही हूँ। अगर आपको कोई और चाट मसाला, किसी और कंपनी का चाट मसाला आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों लगभग एक चम्मच मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इतना स्वादिष्ट स्नैक्स अगर आप अपने घर में बनाते हैं तो आप बिल्कुल भी आप हेल्दी एक स्नैक्स बना रहे हैं। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपको मीठा ना पसंद हो या फिर अगर आपको इसमें मीठे का टेस्ट ना लेना हो तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, बट इसमें चीनी डाल देने से इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें चीनी जरूर ऐड करें। दोस्तों इसको चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से मिला लें और अब ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। नाउ इट इज रेडी टू बी सर्व। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों अगर आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं तो भी ये स्नैक्स आप बना के उन्हें खिला सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स होता है और साथ ही बहुत ही मजेदार होता है। इसको बनाना भी आपने देखा बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो आपको इस स्नैक्स को कुछ इसी तरीके से बनाए, इधर चना पटाखा का आप मजा ले। तो आप आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड इट। बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स।